हेलो दोस्तों स्वागत है एक नए वीडियो में फाइन दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ए यू सी ट्रेस और फायरमैन के फिजिकल के बारे में दोस्तों आज फिज़िकल का दूसरा दिन है दोस्तों बता दूं कि सबसे ज़्यादा लड़के रिजेक्ट हो रहे हैं कट्टा उठाने में चाहे वो लड़का हो या लड़की हो लड़कियाँ जितने भी कट्टा उठाती हैं सभी फेल होकर आ रही हैं क्योंकि कि किसी भी लड़की पर पचास किलो और तड़ेसठ किलो का कट्टा उठाया नहीं जा रहा है दोस्तों इसी के साथ बता दूँ कि तीन बजे से पाँच बजे तक फिजिकल के लिए एंट्री हुई है और पाँच बजे एंट्री के लिए गेट बंद कर दिए गए थे दोस्तों एंट्री के बाद बायोमेट्रिक हुआ और एंट्री गेट पर तीन डॉक्यूमेंट्स सबसे ज़्यादा जरूरी हैं इनके बिना डॉक्यूमेंट्स इन डॉक्यूमेंट्स के बिना एंट्री नहीं मिलने वाली है दोस्तों पहला है आधार कार्ड दूसरा है एडमिट कार्ड और तीसरा है क्लास टेंथ की मार्कशीट सभी जो को भी कैंडिडेट फिजिकल देने आए वो तीनों डॉक्यूमेंट्स साथ लाए दोस्तों और इसी के साथ अपनी डिटेल्स भी मैच कर लें तीनों डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी के डॉक्यूमेंट में मिस मैच है या मिस प्रिंट है वो ठीक करा के ही आए क्योंकि कोई गलती होने पर भी उन्हें रिजेक्ट करके बाहर भेजा जा रहा है दोस्तों बायोमेट्रिक के बाद लड़कों को ग्राउंड में बैठा कर पचास पचास का ग्रुप बनाकर रनिंग के लिए रेडी करा रहे हैं और दोस्तों बता दूँ पचास लड़कों का ग्रुप बन रहा है और फायर में सोलह सौ मीटर की दौड़ हो रही है जो कि छः मिनट मिल रही है और ट्रेड्समैन में पंद्रह सौ मीटर की दौड़ हो रही है और उसमें अभी छः मिनट का टाइम मिल रहा है दोस्तों अलग अलग सेंटर्स पर अलग अलग तरीके से फिजिकल चल रहे हैं कहीं दौड़ हो रही रोड पर तो कहीं हो रही ग्राउंड पर दोस्तों जो दौड़ ग्राउंड में हो रही है उनमें चार चक्कर लगाने होंगे दूसरा एक चक्कर चार सौ मीटर का होता इसलिए को आ, है इसलिए कोई भी कैंडिडेट फिजिकल देने आए वो अपनी तैयारी करके आए सबसे ज़्यादा लड़के और लड़कियाँ वजन उठाने में प्रॉब्लम हो रही हैं उन्हें सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया जा रहा है इसलिए फिजिकल देने से पहले घर पर ही अपनी प्रैक्टिस करें रनिंग की और वज़न उठाने की दोस्तों फायर मैन में, में तिरसठ किलो का खट्टा उठाना है और टेस मैन में, में पचास किलो का इसलिए घर से ही प्रैक्टिस करके आएँ जिससे कि फिजिकल से निराश होकर ना जाना पड़े दोस्तों अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूरी हेल्प मिलेगी अब वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों फिजिकल की बात करूँ तो फिजिकल बहुत आराम से चल रहा है कोई जल्दबाजी नहीं है जी का आराम से करें जिससे कि रिजेक्ट ना होना पड़े दोस्तों रनिंग में स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट करें तो आराम से करें कोई जल्दबाजी ना करें पूरे छः मिनट का टाइम मिलेगा पंद्रह सौ मीटर की दौड़ है डेढ़ में और फाइव मै में, में सोलह सौ मीटर की दौड़ है सबसे ज़्यादा लड़के वजन उठाने में फेल हो रहे हैं इसलिए सभी प्रैक्टिस करके आए घर से और दोस्तों कोई कम प्रॉब्लम है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं कोई हेल्प मिलेगी दोस्तों पहले दिन भी सबसे ज़्यादा लड़कों को वजन उठाने में प्रॉब्लम हुई थी काफ़ी लड़कियाँ आधे से ज़्यादा लड़कियाँ को रिजेक्ट किया गया था वज़न उठाने में क्योंकि पचास किलो का कट्टा उठा, उठा नहीं जा रहा था इसलिए कट्टा उठाने में जल्दबाजी ना करें आप कोई उठा लेता है तो आराम से कैरी करें उसे आराम से लेके ही उसे चलें दो सौ मीटर चलना है सौ सेकंड में चाहे वो फायरमैन हो या फिर ट्रेड्समैन हो इसलिए दोस्तों इसी हिसाब बता दूँ कि पचास किलो का कट्टा टेचमैन और तिरसठ किलो का कट्टा उठाने में फायरमैन में कोई हेल्प नहीं मिल रही है खुद ही उठाना होगा इसलिए कोई जल्दबाजी ना करे और दोस्तों कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि दोस्तों ए ओ सी फिजिकल सी वीडियो पल पल की अपडेट इस चैनल पर देखने को मिलेंगी और सबसे ज़्यादा वीडियोस पाने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं पूरी हेल्प मिलने वाली है दोस्तों फाइव मैन और टेस्ट मैन में पूरे छः मिनट का टाइम मिल रहा है भाई ये है कि सबसे ज़्यादा लड़कों को रिजेक्ट किया जा रहा है बायोमेट्रिक में, में रनिंग में और वजन उठाने में इसलिए कोई भी कैंडिडेट जल्दबाजी ना करे आराम से फिजिका करे कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है पूरी हेल्प मिलेगी